बहुत-बहुत स्वागत है आपके सास बहू और बेटे के सेगमेंट में। बहुत एक फिल्म है हाथी मेरा साथी, एक बार फिर से बन रही है, उसके साथ आप जुड़ी हुई हैं। किस किस्म का किरदार है, क्या होगी कहानी, इस बार कैसे सरप्राइज करेंगी अपने फैंस को? तो हाथी मेरे साथी का राजेश खन्ना जी के हाथी मेरे साथी से कोई ताल्लुक नहीं है। ये ट्राई बनाई गई है और शायद बिकॉज हाथियों के ऊपर ये फिल्म है तो शायद उन्होंने ये टाइटल यूज किया क्योंकि एक रिलेटेबल फेमिलियर टाइटल है हिंदी ऑडियंस के लिए, पर उस फिल्म से इसका कोई कुछ कलेक्शन कोई ताल्लुक नहीं है। और ये फिल्म मेरे लिए बहुत खास है क्योंकि मेरी तमिल तेलुगु डेब्यू फिल्म है। मुझे हमेशा तमिल तेलुगु सिनेमा मैंने बहुत देखा है और मैं हमेशा चाहती थी कि मौका मिले तो वो मैं एक्सप्लोर करूँ। सो आई एम वेरी हैप्पी दैट आई पिक्ड दिस फिल्म क्योंकि ये सब्जेक्ट जो भी है मेरे लिए बहुत एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है। आई लव एनिमल्स स्पेशली एलिफेंट्स और इस फिल्म में जो दिखाया गया है बिटवीन एन एनिमल एंड अ पर्सन कैरेक्टर है और किस तरह से कुछ जरूरी मुद्दे सवाल उठाए गए हैं इस फिल्म में एनवायरमेंट को लेके इंक्रोचमेंट को लेके, पर ये सब कुछ एंटरटेनिंग मैनर में भी दिखाया गया है और एक थिएट्रिकल रिलीज की ये फिल्म है जो बहुत एक साल बाद यू नो थिएटर में लगेगी। बिल्कुल सही कह रही है, काफी दिन हो गए फिल्म को बने हुए और काफी अच्छे एक्टर्स भी पुलकित इसमें किरदार निभा रहे हैं। आपका बेसिकली क्या किरदार होगा? आप शायद रिपोर्टर का किरदार निभा रही हैं इस फिल्म में। जी, मैं एक न्यूज़ रिपोर्टर का किरदार निभा रही हूँ और मेरे कैरेक्टर को अरुंधति है उसका नाम। वो किसी भी दबाव में नहीं आना चाहती और वो एक राणा की जो कहानी है उसके कैरेक्टर की वो कहानी वो ईमानदारी के साथ रिपोर्ट करना चाहती है, ना कि कुछ झूठा लिखना या उसके बॉसेस अगर उसे कुछ कह रहे हैं वो वहाँ पे उस फुट पे नहीं जाना चाहती, वो हिम्मत जुटा के जो सच है वही लिखना चाहती है। तो इस तरह का कॉन्फ्लिक्ट उसके लाइफ में आता है और किस तरह से फिर वो राणा को सपोर्ट करती है ये मेरे कैरेक्टर की जर्नी है। मेरे पुलकित और विष्णु या जोया के साथ कोई सीन्स नहीं है, सो मेरा ट्रैक एक पैरेलली चल रहा है। अच्छा, ये बताइए कि आपके बचपन से लेकर अभी तक जब तक आपकी सिनेमा में एंट्री नहीं हुई थी कितनी एनिमल बेस्ड फिल्में देखी हैं? क्योंकि एक दौर था जब जानवरों पर फिल्में बना करती थी, बहुत लोग देखते थे। अब मुझे लगता है उन सबकी जगह मार्वल्स ने ले ली है, सुपर हीरोज ने ले ली है, बच्चे उसमें ज्यादा इंटरेस्ट लेते हैं। तो पहले वाले सवाल का जवाब भी दीजिए। जी, तो मुझे बचपन में याद है मैंने एक एनिमेशन फिल्म देखी थी डम्बो, एलिफेंट की आपको अगर याद है, वो मैंने किताब भी पढ़ी थी। बट आई मीन आई जनरली वॉच अ लॉट ऑफ एनिमेशन जहाँ पे एनिमल्स मतलब लायन किंग कहें या यू नो व्हाटएवर वो तो है ही, पर मुझे याद है जुमांजी, आपको याद है फिल्म? राइट, यू नो इन दैट सेंस जुरासिक पार्क, आई मीन सी दोज वर ऑल थ्रिलिंग फिल्म्स दैट यूज्ड एनिमल्स व्हिच डिड वेरी वेल। ये जो हमारी फिल्म है ये लाइक आई सेड एक लार्जर मुद्दा भी है इस फिल्म में और हम जो एक्चुअली हो रहा है वो भी दिखा रहे हैं पर वो फिक्शनलाइज करके दिखा रहे हैं। सो ये एक फैमिली फिल्म है बट एट द सेम टाइम इट्स ऑल्सो रेजिंग वेरी इंपॉर्टेंट इशूज एंड इस फिल्म में रियल एलिफेंट्स हैं, मतलब ऑब्वियसली हैं, बहुत सुंदर उन्नी कृष्णा नाम का एलिफेंट है जिसके साथ मेरे सीन्स नहीं थे पर मैंने वक्त बताया उसके साथ। एंड एट द सेम टाइम यू नो सीजीआई वीएफएक्स का भी उपयोग किया गया है तो एक अच्छी बात है कि आप कुछ यू नो डायरेक्टर ने बहुत पैशनेटली एक ऐसा सब्जेक्ट चुना है जो हमने काफी टाइम से देखा नहीं है, तो इट विल बी इंटरेस्टिंग टू सी कि लोग रिएक्ट या रिस्पॉन्ड कैसे करेंगे। जी, तो आपको खुद कितना इंटरेक्ट करने का मौका मिला एनिमल्स के साथ में? जो हीरो हाथी है आपका फिल्म का, मैंने सुना कि जब वो सेट पे आता था तो सबको नमस्कार करना सीख गया था, जब उसे खाना होता था वो खाना मांगता था और आप लोगों के साथ भी बहुत अच्छी बॉन्डिंग थी। जी, आप लोगों के साथ ही बहुत बॉन्डिंग थी। जी, तो मैंने वो फिल्म मैंने उन्नी कृष्णन के साथ कोई सीन्स नहीं किए हैं लाइक सेड, पर आई मेड श्योर कि जब भी मैं सेट पे होती थी मैं थोड़ा जल्दी आती थी, उसे खिलाती थी, उसके आसपास रहती थी, उसे ऑब्जर्व करती थी।
मुझे हमेशा जब मैं स्पेशली हाथी को देखती हूँ तो मुझे एक मतलब मुझे वो भगवान का रूप ही लगते हैं, यू नो, एज इन एक बहुत एक डिवाइन और मटर्नल ऐसा वो ऑरा होता है एक हाथी का. उनकी मेमोरी भी बहुत, इसलिए एलिफेंट्स मेमोरी कहते हैं, उनकी याददाश्त भी बहुत अच्छी होती है. एंड राणा और इन सब ने तो ज्यादा वक्त बिताया, तो मैं इमेजिन भी नहीं कर सकती कि एट एन इमोशनल लेवल उन्होंने क्या कनेक्ट किया होगा. पर हम नेचर से बहुत कुछ सीखते हैं, एंड इवन दो हम एक्चुअली एक रियल फॉरेस्ट में भी शूट कर रहे थे, सो इवन दो मेरा पोर्शन फॉरेस्ट में ज्यादा नहीं, जितना भी मैंने बिताया वो एज एन एक्टर मेरे लिए एक नया एक्सपीरियंस था, आउट ऑफ द कम्फर्ट जोन वाला एक्सपीरियंस था, क्योंकि हमारे वैन और ये सब काफी यू नो दूर थे, तो वहां तक पहुंचना ही एक अलग जर्नी थी. और जब तक हम पहुंचते थे हम ऑलरेडी हमारे किरदार में आ चुके थे, यू नो, जस्ट बिकॉज वो वहां पहुंचने तक ही इतना वक्त जाता था. सो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे लिए काफी नए एक्सपीरियंसेस थे. कुछ और देखिए, बहुत दिनों बाद एनिमल के सब्जेक्ट के साथ में एक फिल्म बन रही है, इसके साथ में एक बहुत अच्छा मुद्दा भी जुड़ा हुआ है, जिस तरह से जंगल फॉर खत्म होते जा रहे हैं और कंक्रीट का जंगल डेवलप कर जा रहा है, इस तरह की भी चीजें दिखाई, मैसेज भी देने की कोशिश की जा रही है. तो आपको लगता है सिनेमा को इस तरह की सब्जेक्ट की, इस तरह के टॉपिक्स की इस वक्त जरूरत है, क्योंकि देश में बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिन्हें सिनेमा के माध्यम से अगर दिखाया जाए तो ज्यादा सही होगा, क्योंकि सिनेमा एक समाज का आईना भी है. आपका क्या मानना है? कि ये क्रिएटिव फील्ड है, एज अ स्टोरी टेलर, एज अ स्टोरी टेलर, एज अ फिल्म मेकर, आप जिस सब्जेक्ट से रेजोनेट करते हैं, जिससे आप पैशन के साथ ट्रूथफुली एक्सप्रेस कर सकते हैं, वही आपको करना चाहिए. ऐसे कोई रूल्स नहीं है या ऐसे कुछ जजमेंट नहीं है कि हमेशा कोई सोशल मैसेज की ही फिल्म बनाई जाए या ऐसे कुछ नहीं है, बट आई फील कि हमारे डायरेक्टर के लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है, एंड बिकॉज ऑफ दैट इसको अच्छी तरह से ट्रीट किया गया है. एंड हम सब सोचते हैं कि हमारे वे में हम के जिम्मेदारी के साथ कैसे कॉन्ट्रीब्यूट करें, यू नो, हमेशा ही ग्राउंड लेवल पे जाके काम नहीं हो सकता, बिकॉज दोज देर आर पीपल इन चार्ज ऑफ दैट. सो एज एन आर्टिस्ट मैं हमेशा सोचती हूँ कि मैं क्या करूँ, मैं किस तरह से अपने वे में कॉन्ट्रीब्यूट कर सकूँ. तो आई फील मी डूइंग अ फिल्म लाइक दिस इन माई कैपेसिटी इज माई वे टू हाईलाइट अ सब्जेक्ट लाइक दिस. इसके अलावा कौन से प्रोजेक्ट में नजर आएंगे अपने फैंस को और क्या प्राइस देने वाली? मैं हमेशा सीरीज और फिल्मों का बैलेंस रखना चाहूंगी, और लास्ट ईयर लॉकडाउन के पहले ही मैंने एक सीरीज का शूट शुरू किया था, वो अभी खत्म हो चुका है, पर अभी तक अनाउंस नहीं हुआ है वो, बट आई एम वेरी एक्साइटेड बिकॉज अब तक का मेरा सबसे एक्साइटिंग और यू नो बहुत मुश्किल होता है ऐसे पार्ट्स आपके सामने आना, तो आई एम वेटिंग टू सॉर्ट ऑफ टॉक अबाउट इट, बट अभी वो रिलीज एक्चुअली अनाउंस हुआ नहीं है, तो वो है और एक फिल्म भी है. एक्साइटेड मैं, मुझे जब कहानी अच्छी लगती है तो माध्यम इम्पोर्टेंट नहीं होता, भाषा इम्पोर्टेंट नहीं होती, सो मैं कहानी पे बहुत फोकस मेरा होता है और कैरेक्टर पे भी, सो द रेस्ट I'm open to it. मैं rigid नहीं सोचती. I'm open to exploring different film industries, different subjects. क्या कहना चाहेंगे अपने फैंस से, हाथी मेरे साथी के लिए, इस प्रोजेक्ट के लिए? मैं कहूंगी कि आपने OTT पे तो बहुत चीजें देखी ली और वो तो हमेशा होगा ही, पर ये फिल्म थिएटर के लिए बनाई गई है, वो एक एक्सपीरियंस है जो थिएटर में ही को एंजॉय करना चाहिए. सो मास्क लगा के, सैनिटाइजर्स करके प्लीज जाइए और हमें बताइए, और होपफुली आपको एक कुछ सीख भी मिलेगी इस फिल्म से और मजा भी आएगा, क्योंकि खतरा अभी चला नहीं. नहीं, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया. थैंक यू. बहुत बहुत शुक्रिया. ऑल द बेस्ट आपके सारे प्रोजेक्ट के लिए. जल्दी फिर से बात करेंगे. थैंक यू.